लाहौर शहर के एक ऐसे रिहायशी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने खुद एक साइकिल तैयार की है और साइकिल में उन्होंने इंजन को फिट कर दिया है। एक लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर तक ये साइकिल जा सकती है। इस साइकिल की तैयारी में कितना वक्त लगता है, कितनी कॉस्ट आती है, उनसे पूछते हैं ये साइकिल कितने की सेल करेंगे। क्लच पकड़ के चलानी है या एकदम क्लच छोड़ना है, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये सेल्फ स्टार्ट है इंजन, सिर्फ रेस पे चलती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज हम आपको लाहौर शहर के एक ऐसे रिहायशी से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने खुद एक साइकिल तैयार की है और साइकिल में उन्होंने इंजन को फिट कर दिया है। इस साइकिल में इंजन को फिट करने के बाद ये साइकिल अब एक इंजन पर चलेगी। एक लीटर पेट्रोल में 80 किलोमीटर तक ये साइकिल जा सकती है। 45 सीसी इसने इंजन यहाँ पर फिट किया है। रिजवान अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं उन्होंने ये साइकिल कब तैयार की, इस साइकिल की तैयारी में कितना वक्त लगता है, कितनी कॉस्ट आती है, उनसे पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि ये साइकिल कितने की सेल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिजवान साहब, ये बताएं कि आपके जहन में ये आइडिया कैसे है, कैसे आपने सीखा कि साइकिल में इंजन लगा दिया है, इसको आपने सीखा किससे है? उस्ताद अपने से, अब शबानो मेरा उस्ताद है जो होटन, उससे। ये 45 सीसी इंजन है, एक लीटर में 80 किलोमीटर करता है ये। तो आप ये बताएं कि इंजन आपने कहाँ से मंगवाया है, फिर आपने इसको तैयार कैसे किया, कितना वक्त लगता है तैयारी में? ये बेसिकली ये चाइना से आता है इंजन, इंजन आता है 12,000 रुपये का, ये इंजन आता है, ठीक है। उसके बाद साइकिल बनानी हो 10,000 की बना लो, 12,000 की, 15,000 की, 20,000 की, साइकिल के अलग पैसे होते हैं, इंजन के अलग होते हैं पैसे। ये कम से कम 25-26,000 में पड़ जाती साइकिल ये पूरी। आपको 25-26,000 की पड़ी और सेल कितने की करोगे? ये गाहक के लिए इतने की है, हमें हो जाती प्रॉफिट 2-3,000 की इसके अंदर। मतलब 25-26,000 में ये साइकिल मिल जाएगी। ये साइकिल देखें, इस पे इंजन लगा हुआ है, इसमें पेट्रोल डलता है, इस पर आप टैंक भी लगा सकते हैं। साइकिल चलाते हुए अगर आप थके हैं, सफ़र ज़्यादा है, तो इसको आप इसका इंजन ऑन करें। इसका इंजन कैसे ऑन होता है ये ज़रा बताइएगा। क्लच पकड़ के चलानी है, जब एकदम क्लच छोड़ना है इंजन स्टार्ट हो जाएगा। ये सेल्फ स्टार्ट है इंजन। सेल्फ स्टार्ट है जी जी। तो ये बताएं कि जब इंजन स्टार्ट होता है तो फिर ये चलती कैसे, इसके गियर्स तो है नहीं, ये स्पीड स्लो? सिर्फ रेस पे चलती है, रेस से कम कर लो, तेज कर लो, स्पीड के हिसाब से चलती है, रेस के हिसाब से। गियर वगैरह नहीं है इसका, क्लच है, रेस है और ये ब्रेक है साइकिल वाली इसकी, ठीक है। मतलब ब्रेक है, लेकिन अगर इसको आपने स्पीड में चलाना है तो जितनी आप स्पीड देंगे उतनी स्पीड में जाई जाएगी, क्लच को पकड़ेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, ऐसा ही है जी जी। क्लच पकड़ के ब्रेक लगा लो, स्लो हो जाएगी ये। ये तमाम सामान आपने कहाँ से लिया है? यहीं लाहौर से मिल जाता है। और फिर ये बताएं कि आप इसको साइकिल को कितनी देर में तैयार कर रहे हैं ये बताएं, और अब तक कितनी साइकिलें आप बेच चुके हैं? पता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा की हैं ये अभी तक साइकिलें, जेहन में नहीं आया कितनी की हैं। लोगों का क्या रिस्पॉन्स है जो आपसे ये साइकिल खरीदने आते हैं, इंजन वाली साइकिल? क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है, अक्सर होता है लोगों के पास साइकिल होती है और वो थक जाते हैं पैडल चलाते चलाते, फिर उसके दौरान अगर इंजन होगा तो इंजन से ऑन करें, सफ़र लंबा है, वक्त कम है, तो इंजन ऑन करते ही इंजन को स्टार्ट करें और आप इस साइकिल को बहुत तेज़ी से लेके जा सकते हैं। लोग जो ख़रीदने आते हैं उनका इंटरेस्ट कैसा है? ये शौकिया तौर पर कराते हैं साइकिल, बाइक भी होती जो साइकिलें कराते हैं ना उनके पास, बाइक भी होती है, ये शौकिया तौर पर कराते हैं चलाने चलाने के लिए, ये अलग चीज़ है, एक हटके है, इसलिए लोग कराते हैं शौक से। ये बताएं कि इसके इंजन के साथ साथ आपने एक एग्जॉस्ट रखा है और साथ आपने इसके इंजन के साथ ही एक चेन और गाड़ी सेट भी लगा दिया है, ये सारा कैसे वर्क करता है ये सारा बताएं हमें। क्लच पकड़ के चलाओ, चलती रहेगी, जब क्लच छोड़ेंगे चल जाएगी। ये जो गाड़ी पीछे वाली इधर वाली एक्स्ट्रा लगी वो इंजन की है, उसके साथ इंजन चलेगा, वो इंजन की गाड़ी है। उधर वाली गियरों वाली है वो साइकिल की अपनी है चलाने वाली। इस साइकिल का वजन कितना है, इंजन फिक्स करने के साथ इस साइकिल का बैलेंस ठीक रहता है, रोड ग्रिप कैसी रहती है? रोड ग्रिप अच्छी रहती है इसकी, इंजन का वजन टोटल ये 20-25 किलो की बन जाती साइकिल। और इसके जो टायर्स हैं वो आपने कहाँ से लाए हैं और टायर्स के बारे में बताएं, टायर्स कैसे हैं इसके? टायर बहुत अच्छे हैं, ये चाइना के टायर हैं ये वाले, रिम इसके जापानी लगे हुए हैं, मीडियम जापान के लगे हुए हैं। ये साइकिल भी बाहर की है, जापानी साइकिल है ये। मतलब कि चीज़ें तमाम आपने इंपोर्ट की हैं, इंपोर्ट की तमाम साइकिल में जो पार्ट्स आपने फिक्स किए हैं। ये बताएं कि अभी जो टैंकी नहीं लगी हुई है, आप इसके पाइप में पेट्रोल डालते हैं तो ये पेट्रोल को कैसे आपने कनेक्ट किया? उसके अलावा ये बताइएगा कि अगर टैंक इस पे लग जाए तो कितने लीटर का टैंक लग सकता है? इसकी टैंकी लगती है 2.5 लीटर की, ठीक है, लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं है, इसके फ्रेम के अंदर पेट्रोल डलता है, इसका फ्रेम के अंदर पेट्रोल डलता है, ये काक लगा हुआ है आप देख सकते हो, ये काक लगा हुआ है, ठीक है, जितना का पेट्रोल चाहिए उतना चलता है इसके अंदर, ये शौकिया रखी हुई है।
आगे मजीद क्या करने जा रहे हैं आपने, ये बहुत बड़ी इन्वेंशन की है, साइकिल में इंजन लगा दिया। इससे पहले भी हमने सुना है कि साइकिलें होती थी जिसमें इंजन होता था, लेकिन आपने इस साइकिल में लगाया इंजन। वो बाबा साइकिल थी जो सहराब साइकिल जो थी कंपनी थी, उस कंपनी की साइकिलों में एक आज से 30 से 40 साल पहले इंजन लगाया जाता था, लेकिन इस तरह की साइकिलों में एक दोबारा से ये वही इंजन है। ये ट्रेंड दोबारा आया है, ये वाला ट्रेंड पुराना पहले और था, अब ये ट्रेंड नया है। ये वाला बाबा साइकिलों में लगता था किसी टाइम पे, लेकिन अब ये नया हो गया है क्योंकि दोबारा आता है 10 साल बाद ट्रेंड दोबारा वापसी आता है, जो अभी 10-20 साल बाद। तो नया ट्रेंड आया, नया चला दी यार, नई जनरेशन है सारी। रिजवान अहमद ने खुद से ये साइकिल तैयार की है, इनको किसी की सपोर्ट हासिल नहीं, ना किसी गवर्नमेंट की। इन्होंने खुद ही अपने उस्ताद से सीखी साइकिल में कैसे इंजन लगाना है, और इसने इंजन लगाने के बाद इसको पेट्रोल पर कन्वर्ट किया। इस साइकिल में जब आपका इंजन मौजूद है, तो जब आप थक गए हैं साइकिल चलाने के लिए, तो आपके पास इंजन होगा, तो इंजन से आप इसको इंजन स्टार्ट करें और इस साइकिल को बआसानी जहाँ तक जाएँ आप ले जा सकते हैं। 1 लीटर में 80 किलोमीटर तक ये साइकिल जा सकती है। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।